वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, यदि आपके घर में एक बच्चा है जो 6 से 12 महीने के बीच का है, और ऐसी स्थिति में यदि बच्चे को बुखार हो गया है, उसे दस्त हो गए हैं या उल्टियाँ हो रही हैं, या बच्चा सडनली कुछ खा नहीं रहा है, और ऐसी स्थिति के अंदर पेरेंट्स का जो सबसे पहले दिमाग जाता है या घर वाले जो सबसे पहली चीज़ जो सोचते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे को दांत निकल रहे हैं। मतलब दांत निकलने की वजह से उसे फीवर आ रहा है, उसकी वजह से उसे उल्टियाँ हो रही हैं, उसकी वजह से उसे दस्त हो रहे हैं। और ऐसी सोच बनती क्यों है, उसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो वो अपने साथ कुछ इम्यूनिटी लेकर के आता है, और 6 महीने की ये जाते आते वो इम्यूनिटी खत्म होने लगती है, और ऐसी स्थिति में बच्चा नए नए इन्फेक्शंस के लिए थोड़ा प्रोन होता है, और ये बीमारियों की एक तरह की शुरुआत होती है। और यही टाइम 6 महीने से 12 महीने के बीच का यही टाइम तब होता है जब बच्चे के दांत निकलने का समय होता है। तो यदि ऐसी स्थिति में बच्चा बीमार होता है तो स्वाभाविक रूप से सोच ये बनती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दांत निकलने की वजह से है। लेकिन देखिए, जितनी भी रिसर्चेज हैं, ऐसी किसी भी रिसर्च के अंदर ऐसा नहीं है कि दांत निकलने की वजह से बच्चे को बुखार आ रहा है, दांत निकलने की वजह से उसे दस्त हो रहे हैं, या दांत निकलने की वजह से उसे उल्टियाँ हो रही हैं। तो प्लीज़, कई बार हमने देखा है कि इस सोच की वजह से पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को घर में ही रखते हैं, लेकर के नहीं जाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करें। यदि आपके बच्चे को बुखार है, बच्चे को उल्टी और दस्त हो रखे हैं, तो आपके आसपास में जो भी चिकित्सक हैं, जो भी डॉक्टर हैं, वहाँ पर बच्चे को तुरंत लेकर के जाएं, और दिमाग में ये सोच लेकर के नहीं बैठे रहें कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे को दांत आ रहे हैं, 2-3 दिन 4 दिन में ये ठीक हो जाएगा। तो बीमारी को बढ़ने मत दीजिए। कई बार देखा गया है कि बहुत खराब स्थिति में आपने समय समय गंवा दिया होता है, और बच्चे की स्थिति डे बाय डे, दिन प्रतिदिन उसकी बिगड़ती जाती है, और आप एक बहुत खराब स्थिति में लेकर के उसे डॉक्टर के पास में जाते हैं। तो इस सोच को निकाल दीजिएगा। दांत निकलते समय यूजुअली होता क्या है, बच्चे को हल्का फुल्का इरिटेशन बनी रहती है, ये तो स्वाभाविक है। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को एक मामूली सी एक इरिटेशन हो सकती है, उनके यहाँ से लार गिरना एक स्वाभाविक है कि वो भी हो सकता है कि जिसको हम ड्रूलिंग बोल रहे हैं कि भाई लार गिर रही होती है, और इस एक्सेस जो सलाइवा है, जो लार है, इसकी वजह से बच्चे के कुछ रैशेज भी हो सकती हैं, उसके चिन पर आ सकती हैं रैशेज, उसके चीक पर रैशेज आ सकती हैं, या गर्दन के आसपास कुछ रैशेज हो सकती हैं। तो ये सब तो हो सकता है, हो सकता है वो थोड़ा सा खाने को भी छोड़ दे उस समय, उसकी जो फसीनेस है वो बढ़ जाए खाने के प्रति, तो ये भी स्वाभाविक है। मतलब लार गिर रही है, उसके रैशेज हो रहे हैं, थोड़ा फसीनेस आ सकती है, लेकिन टेम्परेचर मतलब फीवर जो है वो नहीं होगा, उसको दस्त जो है वो कभी रिसर्चेज में नहीं देखा गया कि उनका कोई कारण है कि दांत निकलने की वजह से उसे दस्त हो रहे हैं या उसे उल्टियाँ हो रही हैं। अच्छा, इसी एज ग्रुप में क्या होता है कि बच्चा बहुत सी चीज़ों को उठाता है और अपने मुंह में डाल रहा होता है, तो यहाँ पर यह भी एक कारण है कि जो उसके वो कोई इन्फेक्शन का या गंदगी जो है वो उसके पेट में चली जाए और उसकी वजह से भी बच्चा बीमार हो जाए। तो इस वीडियो के पीछे, बनाने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि आप ये सोच हटा दें कि दांत की वजह से बच्चे को बुखार आ रहा है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं। यदि ऐसा कुछ है तो तुरंत पास में जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनको ज़रूर दिखाएं। फीवर से रिलेटेड एक रिसर्च 2011 में ब्राज़ील के अंदर हुई थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर कुछ बच्चों के अंदर ये पूरा उनको देखा गया 8 महीने की एज तक, कि कैसे उनको, क्या उनको फीवर आता है या नहीं आता है। तो वहाँ ये देखा गया कि इनको जिस दिन दांत उसका इरप्ट हो रहा है, टूथ इरप्ट हो रहा है, उस दिन और उससे एक दिन पहले स्लाइट सा टेम्परेचर बढ़ा तो था बच्चों का, लेकिन ये इतना नहीं बढ़ा है कि हम उसे फीवर की कैटेगरी में रखें। मतलब टीथिंग के टाइम पर बच्चे के अंदर बहुत स्लाइट टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन वो फीवर की कैटेगरी के अंदर इतना, उसकी ग्रेडिंग इतनी ज़्यादा है नहीं। और दूसरी चीज़ कि क्या बच्चे को टीथिंग के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ये बहुत माइल्ड होगा, यदि है तो बहुत हल्का है, इतना पेन नहीं है कि बच्चा उसे बहुत ज़्यादा उसकी वजह से परेशान हो रहा हो। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।